तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल गीक गॉड पीसीएस में। और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी एकदम टॉप क्लास चल रही होगी। और आज का टॉपिक क्या है ये जानते हैं। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। काफी दिन हो गए हम लोग करंट अफेयर्स चर्चा नहीं किए हैं, तो आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो क्या होगा आज का टॉपिक? आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले 8 महीने, जनवरी से लेके मतलब जून से लेके जनवरी तक का जितना भी समिट्स है, इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, वो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। चलिए हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं आज का समिट्स समिट्स और कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। और जून से लेके जनवरी तक, इस साल का जनवरी यानी जनवरी 2024 और ये आपका जून 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक जितने भी समिट्स हैं वो सब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल समिट्स जो है जो इंडिया के बाहर हुए हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग प्रकाश डालते हैं। ठीक है, देखिए एशियान प्लस 3 का समिट था, तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज होते हैं? एक तो एशियान कंट्रीज 10 हैं, इसके अलावा 3 कंट्रीज और। कौन से 3 कंट्रीज होते हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि आपका कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और जापान, ये 3 कंट्रीज एशियान कंट्रीज के अलावा मीटिंग करते हैं। तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एशियान प्लस 3। ठीक है, इस ग्रुप की मीटिंग कहां पे हुई थी और कौन सा समिट, कौन सा मतलब 26th समिट था ये, कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। और इस समिट में आपका जो टिमोर लेस्ट है, टिमोर लेस्ट बेसिकली क्या है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है ना, ये आपका इंडोनेशिया के आइलैंड सबसे लास्ट आइलैंड यहां पर है आपका टिमोर आइलैंड होता है। टिमोर आइलैंड के जो ईस्टर्न साइड में जो कंट्री है उसको कहते हैं टिमोर लेस्ट, और वेस्टर्न साइड वाला आपका टिमोर आइलैंड है ये आपका इंडोनेशिया का ही पार्ट है। तो ये जो टिमोर लेस्ट कंट्री है यही आपका ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट है वो कहां पे हुआ? डेवोस स्विट्जरलैंड में, और ये 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट था और इसको डेवोस समिट 2024 भी कहा गया है। और इसके थीम के बारे में जानते हैं, तो थीम इज रीबिल्डिंग ट्रस्ट इज द थीम। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग यूएन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग की। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस अलग अलग जगह यूएन भेजती है, तो वही पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग आपका ऑर्गेनाइज कहां पे हुआ था? तो कहां पे हुआ था जानते हैं, जानने से पहले भाई कितने सालों में होता है एक बार? तो बाई इनियली होता है। बाई इनियली मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार। तो आपका 2023 में ये वाला जो मीटिंग है ये आपका अकरा घाना में हुआ था। ठीक है, अकरा घाना याद रखिए 2023, और 2021 में आपका कोरिया में हुआ था, और 21 के बाद आपका 23 में आपका अकरा घाना में हुआ था। ठीक है, 2 साल में एक बार होता है, ये हमें समझ में आ गया, बड़ा आसान था ये, घाना याद रखिएगा। फिर बात करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका जो समिट है 3 सालों में होता है, 3 सालों में एक बार होता है। तो अभी करेंटली 2024 में ये वाला जो इवेंट कहाँ पे था? युगांडा का जो कैपिटल है उसका नाम है कंपाला, तो ये सब चीजें भी आप पूछ सकता है। तो 19th समिट था आपका NAM का। 18th समिट कहाँ हुआ था? 18 समिट हुआ था आपका अजरबैजान में। ठीक है, ये भी बता दिया, लेकिन 19 समिट हमको याद रखना है, कहाँ है? युगांडा कंपाला। और ऑब्वियसली 3 साल तक चलेगा ना, 2024 से लेके 2027 तक चेयरमैन कौन रहेगा नाम का? दैट विल बी युगांडा। थीम पूछ सकता है, तो थीम इज डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ये है आपका थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग देखेंगे। तो इस न्यूज को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। कल्चरल हेरिटेज जो इनटैंजिबल हो, इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते। टैंजिबल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई स्कल्पचर बना दिया, कोई टेम्पल बना है, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा आपका कल्चरल हेरिटेज टैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कोई डांस फॉर्म हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो अभी यूनेस्को ने 2003 में ये डिसाइड किया था कि हम लोग 2003 में हुआ था कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। 2003 में डिसाइड किया कि भाई हम लोग सेफगार्ड करेंगे आपका क्या, इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को। उसके बाद ये लोग मीटिंग करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो इस लिस्ट में अलग अलग चीजों को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अभी 18th मीटिंग हुई है, किसकी? आपका इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इसकी 18th मीटिंग, पहला सवाल कहां हुआ? कसाने बोट्सवाना। ठीक है, बोट्सवाना को मैप में देखिएगा आप अफ्रीका के। ठीक है, कसाने बोट्सवाना में हुआ आपका ये वाला मीटिंग, और इसमें डिसाइड किया गया कि इंडिया का गरबा
गरबा जो डांस फॉर्म है उसको ऐड किया गया, तो अभी टोटल आपके ICH लिस्ट में कितने इंडियन आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के चीजें इंक्लूडेड है, तो वो 15th एलिमेंट आपका ऐड होता है गरबा ऑफ गुजरात, तो लिस्ट में 15वें नंबर पे गरबा ऑफ गुजरात है। तो टोटल 15 ऐसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऐड हो चुका है इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ICH, ठीक है, फॉर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट है, गरबा याद रखिए, 15वां आइटम याद रखिए, और कहां पे हुआ था, कसाने बोट्सवाना में, ये और 18th मीटिंग थी, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्रेड फेयर की। एक ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था, इसका नाम क्या था, स्टील फैब 2024। ठीक है, स्टील फैब 2024 हुआ कहां पे था, तो ये आपका हुआ था आपका शारजा UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, स्टील फैब 24 इज अ ट्रेड फेयर फॉर मेटल वर्किंग इंडस्ट्री, ऑब्वियसली मेटल वर्किंग है, ठीक है, कहां पे हुआ था, UAE एंड द मिडल ईस्ट, इन द UAE एंड द मिडल ईस्ट, कहां पे होगा, शारजा UAE में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग APEC कंट्रीज की। APEC का फुल फॉर्म आप सबको पता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, नहीं पता है तो हमारा वो जो टोटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, तो सारे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, प्लेलिस्ट तो पता ही है आपको, प्लेलिस्ट में जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो 2023 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन इकोनॉमिक लीडर्स वीक विल टेक प्लेस इन सैन फ्रांसिस्को फ्रॉम नवंबर 11-17, 2023। ठीक है, अच्छा इसका थीम क्या है, क्रिएटिंग अ रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर। चलिए ये देख लिया, ये वाला न्यूज दोबारा रिपीट हो गया, अब देखिए इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का 22वां कॉन्फ्रेंस कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ, बार्सिलोना स्पेन। ठीक है, चलो ये पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि भाई इंडिया पहली बार मेंबर बना है 18 मेंबर स्टीयरिंग कमेटी। एक्चुअली ये इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का 18 मेंबर का एक कमेटी बैठता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी। तो इस कमेटी में पहली बार इंडिया भी इंक्लूड हुआ। और टर्म किस कितना है आपका, 2 साल का टर्म होता है। ठीक है, ये न्यूज क्लियर हो गया होगा। तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है इस कॉन्फ्रेंस में, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ठीक है, वर्ल्ड, W फॉर वर्ल्ड, उसके बाद I फॉर इनोवेशन, S फॉर इनोवेशन समिट, E फॉर एजुकेशन। तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन 2023 जिसको बोला गया वाइज 2023, ये कहां पे हुआ, ये आपका दोहा कतर में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या थी इसकी, क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन डेवलपमेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑब्वियसली कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ही बात करेंगे क्योंकि इनोवेशन समिट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो करना आवश्यक ही हो जाता है। ठीक है, तो AI का एज है हमारा। नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये कहां पे हुआ, तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कहां पे हुआ, तो ये आपका इंटरनेशनल समिट हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क में, और यहां अडॉप्ट किया गया था एक डिक्लेरेशन जिसको नाम दिया इन्होंने कीव कोपेनहेगन डिक्लेरेशन। ठीक है, प्लेस का नाम याद रखिएगा। और उसके बाद थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या है, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सिक्योरिटी कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेशन एक्सेस टू जस्टिस एंड रिपेरेशंस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये देख लिया हमने। इसके अलावा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, ऑब्वियस वाली बात है कि भाई हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन होंगे वही करेंगे, तो कौन है हमारे चेयरमैन, जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है हमें। चलिए बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की 33rd असेंबली कहां पे हुई थी आपका, इसके हेडक्वार्टर्स लंदन में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, लंदन में देख लिया हमने इनका हुआ था कॉन्फ्रेंस, असेंबली हुआ था, 33rd असेंबली है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और इंडिया भी इसमें रीइलेक्ट हुआ है, इंडिया रीइलेक्टेड टू द 33rd IMO लंदन। ठीक है, इंडिया का रीइलेक्ट इलेक्शन होता है काउंसिल में, और ये 2024-25 आपका इंडिया रहेगा इन IMO काउंसिल। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन की। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन का आपका 3rd वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन कांग्रेस वो कहां पे हुआ था, बैंकॉक में, आपका नवंबर की बात है ये। ठीक है, इसको विश्व हिंदू सम्मेलन भी कह सकते हैं आप, इसके द्वारा किया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था वो है विश्व हिंदू फाउंडेशन। इसके अलावा थीम क्या थी, जयस्य अयतनाम धर्म, धर्म द एडोप ऑफ विक्ट्री इसका थीम था। आई होप ये याद हो गया होगा। ठीक है, बैंकॉक याद रखिए, बैंकॉक में हुआ था वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन का 3rd आपका सेशन। ठीक है, और थीम भी याद रखिए, धर्म द एडोप ऑफ विक्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। भाई
यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का COP28 कहाँ पे हुआ था, पहला सवाल। जवाब बड़ा आसान, दुबई UAE में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, थीम क्या थी, ट्रांजिशनिंग टू क्लीन एनर्जी वॉज द थीम। दूसरा पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अभी ऑलरेडी जानते हैं कि मोदी जी के द्वारा एक मूवमेंट चालू किया गया है, लाइफ मूवमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसी के अंतर्गत एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी चालू किया गया है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है? ये फंड होता है कि जो भी आपके वल्नरेबल कंट्रीज हैं, तो वहां पे उनको बोला जा रहा है भाई क्लाइमेट चेंज के लिए आपको कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको एक सोलर प्लांट बनाना है, सोलर एनर्जी के लिए एक हाइड्रो प्लांट बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट, और सोलर सेल्स वगैरह के लिए भी आपको क्या कहते हैं पैसे चाहिए। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, ई व्हीकल्स लाना चाहते हैं तो भी आपको उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। और वल्नरेबल कंट्रीज हैं, वो कैसे करेंगे? तो वल्नरेबल कंट्रीज जिनके पास पैसे कम है उनको सपोर्ट करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। तो इसका देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई है वर्ल्ड बैंक को 4 सालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव आपका यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और यूनिसेफ के द्वारा ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव चालू किया गया है। तो यूनिसेफ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बताई गई कितनी है, सेवेंथ रैंक है भाई इंडिया का क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसके बाद इंडिया ने बोला कि हम लोग COP 33 होस्ट करना चाहते हैं। ये तो आपका COP 28 है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग करना चाहते हैं आपका COP 33 2028 में। 28 के बाद 29th जो होगा 2024 में वो होगा अजरबैजान में, और उसके बाद COP 30 होगा 2025 में ब्राजील में, अजरबैजान ब्राजील, और 2033 में इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस भी चालू किया गया बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। देखिए, अब हम लोग तो कुछ पुरानी बातें दोहराते हैं। 2015 की बात है, 2015 के एग्रीमेंट में इंडिया ने दिया था NDC। NDC मतलब हर कंट्री को देना था नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाएंगे। हर कंट्री अपने स्टेप्स खुद बताएगी और उसको अचीव करेगी, तो अपने एम्स सेटअप किए गए। तो इंडिया ने बेसिकली आपके 5 एम्स बताए थे, उनमें से 2 एम्स की बात यहां पे कर रहा हूं। देखिए, पहला एम भी बताया था कि भाई एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP को आपको 33-35% कम कर दिया जाएगा। ठीक है, 33-35% ऑफ 2005 में जो लेवल था उसका 33-35% कम कर दिया जाएगा बाई 2030। और दूसरा टारगेट इंडिया ने कहा था कि हम लोग 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट करेंगे वो आपका फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से करेंगे बाय 2030। लेकिन ये जो एम बनाया था ये बहुत जल्दी कंप्लीट भी कर दिया इंडिया ने। एज ऑफ 31st अक्टूबर 2023 आपका इलेक्ट्रिक पावर जितना भी इंस्टॉल्ड है उसमें करीबन 186.46 मेगावाट बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है आपका नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से बनाया जाता है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका ये 43.81% है। तो इंडिया का टारगेट क्या था, 40% अचीव करना, 43% ऑलरेडी अचीव कर सकती है 2023 में। ठीक है, और उसी तरीके से आपका एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP वो आपका 33% रिड्यूस हो गया है बिटवीन 2005 टू 2019। तो ये 33% 2019 में अचीव कर लिया गया। तो अब क्या करें, अब इंडिया ने कहा है कि हम लोग अपना टारगेट और इम्प्रूव करेंगे टारगेट। तो नए टारगेट दिए गए अगस्त 2022 में इंडिया ने अपने NDC को अपडेट किया, और ये जो टारगेट थे उनको बढ़ा के 33-35% से बढ़ा के 45% कर दिया 2030 तक। ठीक है, और आपका क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी अब वो कहा कि 50% कर देंगे हम लोग बाई 2030। तो ये देखा हमने, 917 कंट्रीज ने साइन किया आपका ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। ये COP 28 की बात ही चल रही है, ठीक है ना, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज साइन किया गया बाय 117 कंट्रीज। और इसने कहा कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है वो 3 गुना करना है 2030 तक, और एनर्जी एफिशिएंसी को हम लोग को डबल करना है, यानी कि कैपेसिटी को हम लोग 3x कर देंगे और एफिशिएंसी को हम लोग 2x करने वाले हैं। अब इंडिया ने कुछ कुछ स्टेप्स उठाए हैं, ये भी डिस्कस किया गया आपका COP 28 में। जैसे कि आपका MISHTI MISHTI मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे आपका ये इनिशिएटिव चालू किया गया था मैनग्रोव्स को सेफगार्ड करने के लिए। उसके बाद इंडिया ने चालू किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
ये प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू किया गया। आपके बड़े कैट्स, बिग कैट्स जैसे टाइगर, लायन, मतलब टाइगर, चीता, पैंथर, ये सारे जो आपके बिग कैट्स हैं, इनको सेव करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस चालू किया गया इंडिया के द्वारा। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपका आया है कि टोटल फॉरेस्ट कवर इज 80.9 मिलियन हेक्टर्स, जो कि अराउंड 24.62% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। इसके अलावा आपका गतिशक्ति पोर्टल, तो गतिशक्ति पोर्टल कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है। तो जब भी आप लोग ऐसा डेवलपमेंट करेंगे तो आपके जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो रुकावट पैदा ना हो, इसलिए इसको परिवेश में ऐड कर दिया गया। परिवेश 2.0 आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें बात की गई कि भाई जल्दी से जल्दी आपके एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रपोजल्स को क्लियरेंस जल्दी जल्दी मिले। ठीक है, और तो गतिशक्ति पोर्टल को इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया कि भाई गतिशक्ति पोर्टल के भी जितने भी आपके प्रपोजल्स हैं उनमें उनको भी जल्दी से जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS 2023, ये बैंकॉक थाईलैंड में है। ठीक है, तो ये चालू कब हुआ? ये 2008 में चालू हुआ आपका इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इंडियन नेवी के द्वारा ये आपका कंसीव किया गया पहली बार, ठीक है, 2008 में। और इसका जो पहला एडिशन था कॉन्फ्रेंस का, जिसको हम लोग कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स भी कहते हैं, COC, ठीक है, पहला जो COC था वो आपका न्यू दिल्ली में किया गया। और 2025 से 2027 का वाला जो 9th COC है, ये भी आपका इंडिया में टेक प्लेस होने वाला है, इंडिया 2025 में होने वाला है। ये आपका कंक्लेव ऑफ चीफ्स ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यहाँ पे हमने पढ़ा। इसके अलावा इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस आपका 2023 में होने वाला है। और ये कहाँ होने वाला है? आपका सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो ये जो इंडियन डेलीगेशन को लीड किया जाएगा बाई श्री राव साहेब पाटिल दानवे, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर माइंस एंड कोल्स एंड रेलवेज। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा सिडनी में हुआ ये आपका माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 23वां काउंसिल मीटिंग हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। और ये कहां पे हुआ? इसको होस्ट किया था बाय गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। और कहां हुआ था ये? कोलंबो में, श्रीलंका का कोलंबो सिटी में हुआ था आपका ये मीटिंग। इसके अलावा वन प्लैनेट पोलर समिट क्यों ऑर्गेनाइज हुआ था, पहले तो ये जानते हैं। आपका ग्लेशियर्स और पोल्स को बचाने के लिए ये आपका मीटिंग अरेंज हुआ। कहां पे? आपका पेरिस फ्रांस में अरेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेफ्टी। भाई AI टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके वजह से काफी सेफ्टी कंसर्न्स हमारे बढ़ रहे हैं। तो इसको डील करने के लिए आपका ब्लेट्सली पार्क इंग्लैंड में एक आपका समिट होता है। और इसमें आपके 28 मेजर कंट्रीज, ऑब्वियसली जिसमें USA भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, इन्होंने ब्लेट्सली पार्क डिक्लेरेशन को साइन किया। ये तो आपसे पूछे ये जो डिक्लेरेशन किसके लिए है, ये AI सेफ्टी के लिए है, AI सेफ्टी के लिए है। तो समिट आपका ब्लेट्सली में हुआ था, ये भी हमको समझ में आ गया। चलिए अब दो बात करते हैं हम लोग 6th इंटरनेशनल राइस कांग्रेस। राइस कांग्रेस कहां पे हुआ था? मनीला फिलीपींस में आपका राइस कांग्रेस हुआ था। और इसका थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट बात किया हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी, 22वीं मीटिंग हुई थी। कहां पे हुई थी? आपका बिश्केक आपका, इट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान को चेयरमैनशिप मिली है आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी ठीक है चेयरमैनशिप किर्गिस्तान की है, तो ऑब्वियसली बिश्केक में हुआ था। तो इंडिया को रिप्रेजेंट ऑब्वियसली कौन करेंगे? हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है एस जयशंकर। ठीक है, तो G7 के ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। तो G7 की मीटिंग कहां पे हुई? आपका ओसाका साकाई जापान में। ठीक है, तो जापान में मीटिंग हो रही है आपकी G7 की। तो अच्छा, G7 कंट्रीज आप लोगों को मालूम होंगे कौन से हैं भाई? आपके कनाडा और USA नॉर्थ अमेरिका से, चार कंट्रीज तो आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम हो गए आपके यूरोप से, और एशिया से केवल आपका जापान। तो ये आपके G7 कंट्रीज हो गए। ठीक है, G7 कंट्रीज में जापान ने इंडिया को इनवाइट किया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया और कीनिया को भी इनवाइट किया। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया कि किन्होंने? पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल साहब जो गए थे इंडिया से रिप्रेजेंट करने G7 को। ठीक है, देखिए आपका 18th इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन
कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका हैनोई। हैनोई आपका पता है आपको कि दिस इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। वियतनाम के कैपिटल में आपका इंडो वियतनाम ज्वाइंट कमीशन हुआ था। तो डॉक्टर जयशंकर साहब वहां पे थे और उन्होंने स्टैंप इशू की आपके कमोमोरेटिव स्टैंप्स, ठीक है, क्योंकि 50 साल हो चुके हैं इंडिया और वियतनाम के डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट हुए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कमोमोरेटिव स्टैंप्स इशू किए गए आपके। उसके बाद वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 कहाँ पे होना है? लंदन में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 लंदन में। नेक्स्ट, आसियान कंट्रीज और इंडिया मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे हुआ? आपका साउथ जकार्ता में, इंडोनेशिया में है जकार्ता। तो साउथ जकार्ता में एक कोटा कासाब्लांका मॉल है, वहां पे आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ। क्यों ऑर्गेनाइज हुआ? क्योंकि इनका एम ये है कि आपका अवेयरनेस बढ़ाया जाए और मार्केट इंक्रीज हो आपके मिलेट्स का, ठीक है, और मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट इंक्रीज करने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये करना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है, मिलेट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए साउथ जकार्ता में हुआ ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अरब इस्लामिक समिट, ठीक है। अरब इस्लामिक समिट कहाँ पे हुआ? देखिए रियाद सऊदी अरेबिया में ये हुआ है। तो जो आपका अरब लीग है और ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो इन्होंने मिलके आपका कंडेम किया है इसराइल के एग्रेशन को ऑन गाजा स्ट्रिप। तो दे आर ऑल अगेंस्ट इसराइल। तो इसराइल के अगेंस्ट इन्होंने कहा है कि भाई कंडेम किया है कि वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, मैसेकर हो रहे हैं आपके पैलेस्टाइन में। तो बेसिकली ऑब्वियसली आपका अरब लीग और जो ओआईसी है सपोर्ट करती है पैलेस्टाइन को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ए टू जीरो एक्सलरेट टू नेट जीरो आसियान समिट एंड एग्जीबिशन 2023। तो आपका ये जो समिट था ये आपका ड्यूरिंग 14th इंटरनेशनल ग्रीन टेक एंड इको प्रोडक्ट एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस मलेशिया। तो ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस इसके साइडलाइन पे आपका ए टू जीरो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था। कहां पे? क्वालालंपुर कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। तो ये बात हो गई है। देखिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2024 में, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इसका एनुअल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था? ब्रागा पोर्चुगल में, ठीक है। ये होने वाला है आपका जुलाई 1-2014, जुलाई 1 से लेके 5 तक 2014 कह रहा हूं, 2024। द कॉन्फ्रेंस थीम इज ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमने 6th मीटिंग ऑफ इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग। ओपेक का सेक्रेटेरिएट कहां पर है? वियना में है। तो वियना में ये डायलॉग होता है, वियना आपका ऑस्ट्रिया में है। द मीटिंग फोकस्ड ऑन की एस्पेक्ट्स ऑन ऑयल एंड एनर्जी मार्केट्स के बारे में यहां पे चर्चा हुई। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कहां पे हुआ? तो रशिया के द्वारा करवाया गया व्लादिवोस्टक में, और इंडिया का रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया आपका। इंडिया का रिप्रेजेंट किसने किया? श्री सर्वानंद सोनोवाल, जो कि आपके यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के। बात करेंगे हम लोग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं यूएनटीओसी। तो ये यूएनटीओसी आपका अडॉप्ट किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2000, और ये आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 2003 में आपका फोर्स में आया। तो उसके बाद ये जो ट्रीटी थी वो 2000 में सिग्नेचर के लिए ओपन होती है, कहाँ पे? पैलर्मो इटली में, ठीक है। तो इसलिए इसको पैलर्मो कन्वेंशन भी बोला गया। तो यूएनटीओसी के बारे में हमने पता किया, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट है ये। तो 16 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट ICCC 2023 कहां पे हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, ठीक है। इसका थीम क्या था? थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस वॉज फर्दर रिडक्शन ऑफ CO2 एमिशन एंड सर्कुलरिटी इन सीमेंट। तो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो 17th समिट है वो आपका इंडिया में होने वाला है। 16th समिट आपका बैंकॉक में और 17th समिट आपका इंडिया में, ठीक है। तो ये सब थीम भी ध्यान रख सकते हैं आप, फर्दर रिडक्शन ऑफ CO2 एमिशन इन सर्कुलरिटी इन द सीमेंट। तो ये इसका थीम है, बैंकॉक में हुआ और नेक्स्ट इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 27th वर्ल्ड रोड। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस की। तो वर्ल्ड रोड कांग्रेस कहां है? आपका प्राग चेक रिपब्लिक में, ठीक है। रोड सेफ्टी को फोकस करके ये समिट बुलाया गया। तो इस समिट में अब रोड की बात हो रही है, तो श्री नितिन गडकरी जी जो है ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन वहां पे करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, जितने भी कोस्ट गार्ड एजेंसीज हैं, कितने 23 मेंबर कंट्रीज और 2 एसोसिएट कंट्रीज हैं, तो इनका एक ग्रुप है, ठीक है, दैट इज एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज की मीटिंग बुलाई गई यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इंडिया के जो कोस्ट गार्ड के डीजी हैं, जिनका नाम है राजेश पाल, पता होना चाहिए, ये भी इसको अटेंड किया था। अगला सवाल उठा कि ये जो आपका हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज हैं, ये इनका हुआ कहाँ पे, व्हाट वाज द वेन्यू, तो वेन्यू इज इस्तानबुल, इस्तानबुल आपका तुर्की में है, तो यहाँ पे हुआ था ये आपका हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग। उसके बाद एसईओ की मीटिंग, एसईओ की मीटिंग आपका बिश्केक में हुई थी, ये तुम्हें मालूम ही है, ठीक है, 22nd मीटिंग ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फ्री फ्रॉम फंक्शनल फूड एक्सपो 2023, ये कहाँ पे हुआ आपका, दुबई में, ये क्या है, फूड फेयर है, ठीक है, जो हेल्थ, डाइट, वीगन, ऑर्गेनिक, नॉन, मतलब फूड के रिलेटेड सारी बातें ये कर रहा है, ठीक है। द इवेंट इज अ बिजनेस समिट एंड मैच मेकिंग इवेंट फॉर FMCG फूड इंडस्ट्री, तो FMCG फूड इंडस्ट्री का ये समिट था, फ्री फ्रॉम फंक्शनल फूड एक्सपो 2023 का हुआ, दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ समिट की, वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पे हुआ आपका, बर्लिन जर्मनी में हुआ, और इसका थीम क्या था, अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, तो हेल्थ का समिट आपका कहाँ पे होता है, आपका बर्लिन में होता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल फूड एक्सपो आपका दुबई में, और SCO आपको पता है बिश्केक, तो भाई SCO दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ, तो ये बेसिकली 22nd मीटिंग ऑफ SCO में पता है कहाँ पे, किर्गिस्तान में हुआ था, बिश्केक में हुआ था, ठीक है। तो द SCO मिनिस्टर शेयर द पर्सपेक्टिव्स ऑन द सब्जेक्ट, द प्रोस्पेक्ट्स एंड मेजर्स टू डीपन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अमॉन्ग SCO मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो ये तो खैर बार बार रिपीट हो रहा है। फिफ्थ मीटिंग ऑफ मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग, मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग, ठीक है, किसके लिए बुलाया गया, आपका जो सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है अफगानिस्तान की, इसको डील करने के लिए बुलाया गया। कहां बुलाया गया, रशिया की एक सिटी जिसका नाम काजान है, यहां पे बुलाया गया। ऑब्वियसली इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो याद रखिए मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग किस लिए है, अफगानिस्तान की सिचुएशन डिस्कस करने के लिए काजान में। चलिए यहां पे बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली, तो यूएन जनरल असेंबली 78 सेशन आपका यूएन जनरल असेंबली का कहां पे हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ। तो सवाल उठता है कि इसका प्रेसिडेंट कौन था, याद रखिए ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, डेनिस फ्रांसिस, ये आपके ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के हैं, ये भी ध्यान रखिए, कंट्री भी पूछ लेता है। इसके अलावा थीम क्या है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडैरिटी, एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टुवर्ड्स पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड द सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल, इतना बड़ा आपका थीम है, तो भाई सस्टेनेबिलिटी लिखा हुआ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका I2U2 का एक ग्रुप बैठा, मतलब साइडलाइंस ऑफ जनरल असेंबली, जनरल असेंबली चल रही है, उसके साइडलाइंस पे भाई इंडिया, US, इसराइल और UAE, इन्होंने मिलके एक पार्टनरशिप बनाई, प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप, ठीक है। और इस पार्टनरशिप का एम क्या होगा, आपका अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है, बिजनेस कम्युनिटीज में और प्रोजेक्ट्स को फंड करना, तो ये सब चीजें करने के लिए I2U2 ग्रुप बनाया गया, ठीक है, ड्यूरिंग आपका 78 सेशन ऑफ UNG। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जकार्ता में, दो ऐसे इवेंट हुए, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे एशियन समिट, 43rd एशियन समिट आपका जकार्ता में हुआ, कहां पे, जकार्ता कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। थीम याद रखिए इसका है एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ये आपका थीम है। इसके अलावा जकार्ता में दूसरा इवेंट होता है आपका 18th ईस्ट इंडिया समिट, तो यहां पे आपके ईस्ट इंडिया समिट में मोदी जी भी गए थे, और मोदी जी ने आपका 12 पॉइंट का प्रपोजल रख दिया, और प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट वही इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट होंगे, जो कि है जोको विडोडो, ये आपका ईस्ट इंडिया समिट के भी आपके प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे अच्छा मोदी जी के 12 पॉइंट प्रपोजल में कई सारी चीजें थी, जैसे कि कवरिंग कनेक्टिविटी हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट, एड्रेसिंग कंटेम्पररी चैलेंजेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। देखिए यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट एम्बिशन समिट, तो यहाँ पे क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ है, कहाँ हुआ है आपका, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है। एम क्या है, गोल ये था कि भाई क्लाइमेट एक्शन की जरूरत है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट को काफी खतरा है ग्रीन हाउस गैसेस से, और ये हमें पता कैसे चला, आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के जो असेसमेंट से ये चीज पता चली। तो क्लाइमेट एक्शन के लिए जो अर्जेंट नीड है, उसके लिए लोग इकट्ठा होते हैं न्यूयॉर्क में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया, USA और चाइना, ये जो तीन कंट्रीज हैं जो एक्चुअली 42% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करती है वर्ल्ड में, ये तीनों ही इस पर्टिकुलर आपके समिट में एब्सेंट थे, तो इसका पर्पज थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देखिए इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था,
उसका फिफ्थ रीजनल मीटिंग कहां पे हुआ था, किगाली रवांडा। फिर बात करते हैं ग्रुप 77, ग्रुप 77 और चाइना समिट ये कहां पे हुआ, ये आपका हवाना क्यूबा में हुआ है। उसका थीम क्या था, करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहां पे हुआ, आपका इंडिया एक्सपो मार्ट आपका ग्रेटर नोएडा में है, यहां पे ये ऑर्गेनाइज हुआ और इनॉग्रेशन किया महामहिम प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने। 12th एडिशन आपका हुआ था इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम IGCF, ठीक है। इसका थीम था टुडेज रिसोर्सेज टुमारोज वेल्थ। कहां हुआ, किसके द्वारा कराया गया, तो देखिए ये आपका गैम्बिया मेडागास्कर में, ये गैम्बिया मेडागास्कर में नहीं हुआ था, ये आपका शारजा में हुआ था एक्सपो सेंटर। यहां लिखा है गैम्बिया मेडागास्कर और अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज हैं वो डिस्कस किए गए यहाँ पे। तो टुडेज रिसोर्सेज टुमारोज वेल्थ ये इसका थीम था। तो AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, देखिए AI फॉर गुड मतलब AI का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करिए। तो अच्छे काम कौन से हो सकते हैं, जो SDG गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए करिए। तो ये यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एडवांस ग्लोबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, इसके ऊपर ये समिट था। किसने कराया, ये आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने करवाया और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड ने मिलकर ही कराया, ठीक है। अच्छा, इसमें कई सारे आपके रोबोट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ये सारे डिस्प्ले किए गए। फॉर एग्जांपल एक ग्रेस नाम का रोबोट है, नर्स रोबोट, ठीक है, इट्स रोबोट नर्स ग्रेस, ये भी शोकेस हुआ यहाँ पे। देखिए ह्यूमन प्लैनेट फोरम कहाँ पे हुआ, ये आपका न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, ठीक है, ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं जाते। ह्यूमन प्लैनेट फोरम के बाद आपका इंडोनेशिया का नया प्रोग्राम चालू हुआ, गोल्डन वीजा प्रोग्राम, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेन लोग आएंगे उनको गोल्डन वीजा दिया जाएगा ताकि भाई नेशनल कंट्री में आपका इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और आपका इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो उसके बाद फिफ्थ ब्रिक्स समिट अभी आपका नेक्स्ट आपका साउथ अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ, देखिए 1 जनवरी 2024 में एक्चुअली ऐसी बात थी कि भाई देखिए साउथ अफ्रीका में ये इवेंट हुआ, फिफ्थ ब्रिक्स समिट जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में होता है और थीम देखिए ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है, चलो ये हो गया। अब जो साउथ अफ्रीका के आपके प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सिरिल रामाफोसा, उन्होंने अनाउंस किया कि 5 नए कंट्रीज, एक साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना, 2 आपके अफ्रीका के इजिप्ट इथोपिया और 3 आपके एशिया के ईरान सऊदी अरेबिया और UAE, ये भी हमारे ब्रिक्स में नए मेंबर बनेंगे, ठीक है। और ये आपका 1 जनवरी 2024 को इसका ये बन जाएंगे हमारे नए मेंबर, टोटल मेंबर बन जाएंगे आपके ब्रिक्स के, कितने 10 मेंबर हो जाएंगे टोटल अब से 1 जनवरी 2024 से 10 मेंबर। चलिए देखिए बात करते हैं अमेजन समिट की। तो अमेजन कहाँ है, ब्राजील में है, तो देखिए ब्राजील में ही हुआ, बेलेम ब्राजील में ये आपका समिट हुआ और इसमें इसको होस्ट किसने किया, इट इज होस्टेड बाई अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO और आपके ग्लोबल साउथ के कंट्रीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड रशिया अफ्रीका इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन फोरम, तो रशिया और अफ्रीका के बीच में ये समिट हुआ, कहाँ हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, लेकिन इससे पहले कहाँ होने वाला था, आपका अदीस अबाबा इथियोपिया में होने वाला था, लेकिन क्योंकि रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो रशिया ने कहा कि भाई रशिया का कोई जाने का रिस्क लेगा नहीं, सबको रशिया में आना पड़ेगा, तो ये लोग सब रशिया पे सेंट पीटर्सबर्ग में ये आपका फोरम होता है, समिट होता है। नेक्स्ट इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग ऑल्सो नोन एज कीटा गैलन फोरम तो ये कहां पे हुआ, आपका ताइपी ताइवान में ये आपका समिट टेक्स प्लेस होता है। देखिए फर्स्ट समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो फर्स्ट मेजर समिट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ्टी कंसर्न्स के ऊपर आपका समिट UN सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा कहां पे आयोजित किया गया, वो UK में आयोजित किया गया, ठीक है। UN सिक्योरिटी काउंसिल विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑन पोटेंशियल थ्रेट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपका UK में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, एनर्जी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ दुबई UAE में और थीम था एमर्जिंग फील्ड्स ऑफ स्टडी फॉर एनर्जी फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग ए वेब की, व्हाट इज ए वेब, एसोसिएशन फॉर, देखिए ए वेब है ना, क्या मतलब इसका, दैट इज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज,
इसकी 11th मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो 11th मीटिंग है वो कहां पे हुआ, कार्टेजिना कोलंबिया में, कोलंबिया के कार्टेगेना में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं आपके 91st एनुअल मीटिंग किसका, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स ICOLD, ICOLD, ठीक है, ये कहां पे हुआ, ये आपका गोथेनबर्ग स्वीडन में हुआ। लार्ज डैम्स की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, NHPC, तो NHPC ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। इसके अलावा नाटो का समिट हुआ, तो नेटो कंट्रीज का जो समिट है वो कहां पे हुआ, विल्नियस लिथुनिया, लिथुनिया में हुआ था आपका। टोटल नेटो कंट्रीज कितने हैं, 31 नेटो कंट्रीज मीट किए थे। इसके अलावा नेटो के पार्टनर कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन यहाँ इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। और इसका चेयरमैन कौन था, इट वॉज चेयर्ड बाई नेटो का सेक्रेटरी जनरल, क्या नाम है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग वॉज द प्रेसिडेंट, ऑल्सो द नेटो सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, अब ब्रिक्स की मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग ऑब्वियसली कहां पे होगी भाई, साउथ अफ्रीका में चला गया ना ब्रिक्स अभी, तो साउथ अफ्रीका केप टाउन में आपका ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद फर्स्ट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ये कहां पे हुआ आपका, ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका ऐसा हुआ, फर्स्ट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल। देखिए IUCN के द्वारा वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया, कहां पे, अबू धाबी में, UAE में, ठीक है। उसके बाद क्वाड लीडर्स हम लोग को मालूम है, तो नरेंद्र मोदी जी इंडिया से, और आपका अच्छा हुआ कहां पे था, क्वाड लीडर का जो समिट था ये हिरोशिमा जापान में हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हमें मालूम है, तो ये इन्होंने पार्ट लिया था। फुमियो किशिदा जापान के, और जोसेफ बाइडन, जे बाइडन आपके USA के, ठीक है। तो चार कंट्रीज के चार लीडर्स मीट कहां करते हैं, हिरोशिमा जापान में। अच्छा, उसके बाद देखिए परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, उन्होंने आपका एक इंडिया राउंड टेबल, एक मीटिंग बुलाई UN हेडक्वार्टर्स में, किसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, राउंड टेबल डिस्कशन वॉज डेजिग्नेटेड टू ब्रिंग टू द सेंटर स्टेज द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक मीटिंग कराता है, ठीक है, परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, क्यों, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को फोकस करते हुए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई आपके UN हेडक्वार्टर्स में बाय परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट, मतलब जो हिंदूज आपके अमेरिका में है उन्होंने एक मीटिंग रखी, एक समिट रखा, कहां पे, यूएस कैपिटल हिल में, ठीक है। 16th लंकावी इंटरनेशनल मैरिटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, लीमा, लंकावी इंटरनेशनल मैरिटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, इज अ मैरिटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन दैट टेक्स प्लेस वंस इन एवरी टू ईयर, दो साल में एक बार होता है, कहां पे हुआ, लंकावी मलेशिया में, ठीक है। उसके बाद समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट का एक समिट कहां पे कराया गया, पेरिस में कराया गया। The summit's goal was to establish a new financial system to address 21st century challenges like climate change, fighting inequalities and protecting biodiversity. तो ये कुछ 21st centuries के challenges हैं, इनको deal करने के लिए ये new global financing pact का summit Paris में आपका organize किया जाता है। Ukraine Recovery Conference 2023 URC कहाँ पे हुआ, London में हुआ, और co-host किया किसने, UK और Ukraine में। बेसिकली वो इंटरनेशनल सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया लंदन में। तो इंटरनेशनल हम लोगों ने समिट देखे, अब हम लोग G20 से रिलेटेड कुछ समिट थे, G20 आपका इंडिया में हुआ था, उससे रिलेटेड जो समिट्स इंडिया में हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके, अक्टूबर 9 से 12 को एक मीटिंग हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रीसेंट एडवांसेस इन बायो एनर्जी के ऊपर, जो नए आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। कहां बुलाया गया, तो आपका सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका याद करने के लिए एक पॉइंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी कहां पर है, तो दिस इज इन कपूरथला पंजाब में आपको ये मिलेगा, ठीक है। और दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में है, तो ये बातें पता होनी चाहिए हमें।
और तो यहाँ पे हुआ था आपका सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी में ये वाला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बाद आपका फोर्थ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग, ठीक है, चौथी मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, ये इंडिया में नहीं हुई, हालांकि ये प्रिसाइड किया इंडिया नहीं, प्रिसाइडेड बाई निर्मला सीतारमण जी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई ये हुई आपकी माराकेश मोरक्को में। देखिए पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं, हमारे लोकसभा में स्पीकर है, तो उसी तरीके से आपके पार्लियामेंट्री स्पीकर अलग अलग कंट्रीज के होते हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई, 9th G20 समिट, पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट कहां पे बुलाया गया आपका, नई दिल्ली में ही बुलाया गया, यशोभूमि न्यू दिल्ली में, ठीक है। इनॉग्रेशन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसके अलावा आपका ठीक है इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडिया मेडिटेक एक्सपो, मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग भी चल रही थी, कहां पे आपको पूछा जाए अगर कि G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग कहां हुई, तो आप कहेंगे गांधीनगर। तो इसी के साइडलाइन में आपका इंडिया मेडिटेक एक्सपो भी ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, ऑब्वियसली गांधीनगर में ही। तो इंडिया में आपके मेडिकल दवाइयों का और मेडिकल डिवाइसेस का, मेडिकल टेक्नोलॉजी का मार्केट काफी ज्यादा है, करीबन $20 बिलियन है, वो पहुंच जाएगा बाई 2050, ठीक है। चलिए कुछ और समिट्स की बात करते हैं। देखिए यूथ 20 समिट, ठीक है, G20 का यूथ समिट कहां पे हुआ आपका, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। किसके द्वारा कराया जाएगा, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, तो इन्होंने होस्ट किया आपके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने किया ये, ठीक है। Y20 इज ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप फॉर द G20, G20 इज अ फोरम फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है, ये तो कोई बात नहीं हुई है। नेक्स्ट हम लोग G20 के कल्चर वर्किंग ग्रुप, देखिए यूथ वर्किंग ग्रुप कह रहा हूँ, जो यूथ समिट हो गया या आपका कल्चर वर्किंग ग्रुप हो गया, तो यूथ और कल्चर दोनों ही अगर आपसे पूछे तो कहां पे है आपका, वाराणसी में हुआ था आपका ये, ठीक है ना, इट हैपेंड इन वाराणसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया का स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके द्वारा आपका G20 का स्टैंडर्ड्स डायलॉग कहां पे हुआ, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का जो इवेंट है ये न्यू दिल्ली में हुआ, और इस इवेंट का जो थीम है ये तो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट आपका। भाई 18th G20 समिट के बारे में बात करते हैं, तो 18th G20 समिट पहली बार एक्चुअली फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली में हुआ था, और काफी चर्चाएं G20 के बारे में हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। थीम क्या था G20 समिट का, वसुधैव कुटुंबकम, आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है। तो G20 लीडर्स ने आपका न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर कंसेंसस बनाया, ठीक है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर एक कंसेंसस बनाया और कई सारे इश्यूज डिस्कस किए, चाहे वो रशिया यूक्रेन के टेंशन के ऊपर हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, ये सब एरियाज में बात की, बायोफ्यूल अलायंस, ये सब के ऊपर डिस्कशन हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, किसके ऊपर, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एडमिटेंस ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपका ये तो एग्जीबिशन का नाम है, तो यहाँ पे एक और बात पता चल रही है कि G20 से अब G21 हो गया, क्योंकि G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो अब ये G20 से G21 बन गया है। इसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो इट विल हेल्प एक्सेलरेट इंडियाज एग्जिस्टिंग बायोफ्यूल्स प्रोग्राम सच एज पीएम जीवन योजना सतत एंड गोबर धन स्कीम, ठीक है। तो ये सब स्कीम्स है आपके बायोफ्यूल के लेकर, पीएम जीवन योजना सतत और गोबर धन स्कीम, तो ये सारे स्कीम्स को काफी बल मिलेगा विद ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। एक्चुअली एक और बात यहाँ पे डिस्कस होता है आपके G20 समिट में, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC, ठीक है। IMEC को देखेंगे, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, तो बेसिकली ये कनेक्ट कर रहा है हमारा इंडिया एक सी रूट से, मुंबई से आपका UAE कनेक्ट होता है, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया से होते हुए मिडिल ईस्ट के थ्रू, इसराइल के थ्रू, फिर आप ग्रीस पहुंचते हो, और इस तरीके से यूरोप हमारा कनेक्ट होता है। तो ये है, दिस इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके बारे में कुछ चर्चा की गई, आपका MOU साइन किया गया बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो ये सारे कंट्रीज ने MOU साइन किया कि IMEC को एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो एक्चुअली IMEC इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इनिशिएटिव कॉल्ड पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इसी मतलब इसके अंडर आता है ये IMEC,
तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोग्राम है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसका एक पार्ट बनेगा IMEC। तो PGII दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये G7 समिट जो UK में हुआ था इन जून 2021 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली इसी के अंडर आपका IMEC आएगा। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, PGII aims to finance infrastructure projects in developing countries थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, वही बात लिखी गई है कि डेवलपिंग कंट्रीज में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं। द प्रोजेक्ट एम्स टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, रेलवे कॉरिडोर, सी लेन्स, ऐसे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये बेसिकली एक एफर्ट है टू काउंटर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, उसका एक रेस्पॉन्स देखा जा रहा है IMEC। तो IMEC के बारे में पता चला आपका, PGII के बारे में पता चला, तो ये सब बातें हम लोग को यहाँ चलिए देखें और क्या क्या बातें की गई है। तो देखिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये डॉक्यूमेंट आपका प्रिपेयर किया गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का टर्म यहाँ पे आ रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर ये आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये बात बताई। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने काफी तारीफ की किसकी, इंडिया के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, DPI कहते हैं जिसे। तो पिछले डेकेड में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम किया गया है उसका तारीफ किया गया बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके अलावा और बात की गई है कि भैया ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 से 3 गुना कर दिया जाएगा 2005 के लेवल तक का, 2005 में जो लेवल था उसका 3x कर दिया जाएगा बाय 2030, ऐसा G20 में डिस्कस किया गया। अच्छा, इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो G20 प्रेसिडेंसी में एक कंसेंसस बैठा दो चीजों पर, डेकन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एंड द मिलेट इनिशिएटिव कॉल्ड महारिषि। ठीक है, तो मिलेट तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया महारिषि किसके ऊपर है, तो आप कहेंगे मिलेट्स को लेकर ये आपकी पॉलिसी है। ठीक है, मिलेट्स के लेकर ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो दो बातें हमने देखी, डेकन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, तो ये सबसे पहला आपका कंसेंसस बना। उसके बाद मिलेट इनिशिएटिव के ऊपर भी कंसेंसस बना, तो महारिषि का फुल फॉर्म भी ध्यान रख सकते हैं, मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, महारिषि। अच्छा, इसके बाद इंडिया मरकोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये तो हम जानते हैं, अब ये इंडिया मरकोसर का क्या मतलब है। तो मरकोसर क्या है, मरकोसर इज ए ट्रेडिंग ब्लॉक लैटिन अमेरिका जिसमें आपका ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और पराग्वे, ये 4 कंट्रीज के बीच में आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये आपका एज अ ट्रेडिंग ब्लॉक काम करते हैं, तो इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड होगा, ऐसी बात डिस्कस की गई है। इंडिया एंड ब्राजील ने आपस में ये एग्री किया है ताकि आपका इंडिया मरकोसर समझ में आ गया, इंडिया मरकोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका GEF-414 जेट इंजन एग्रीमेंट। देखिए GEF-414 जेट इंजन एग्रीमेंट साइन हुआ गया किसने साइन किया, तो USA और इंडिया के बीच में साइन हुआ, तो USA का जनरल इलेक्ट्रिक एंड एरोस्पेस जो कंपनी है उसने साइन किया आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन किया आपका GEF-414 जेट इंजन बनाने के लिए, कहां पे, इंडिया में बनेगा लेकिन मेक इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अभी G20 इंडिया ने तो अभी होस्ट कर लिया लेकिन अगले साल होस्ट कौन करेगा, तो आपका तो कस्टमरी गेवेल ट्रांसफर हुआ किसको, ब्राजील के प्रेसिडेंट को लुइस इनासियो लूला द सिल्वा, इनको आपका ट्रांसफर होता है, तो ये होते हैं G20 के अगले होस्ट। तो G20 में कौन कौन नहीं आया था, तो व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे और आपके जी जिनपिंग आपके चाइना के जो प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट, वो भी नहीं आए थे। तो पुतिन जी के जगह कौन आया, सर्गे लेवरोव, और चाइनीज जी जिनपिंग की जगह आता कौन है आपका ली क्यांग। ठीक है, अच्छा आपको थीम तो पता ही है, वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये आपका थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, दिस इज द थीम ऑफ G20। और कुछ बातें देखते हैं, इंडियाज कल्चरल शोकेस, तो इंडिया के कल्चर को काफी फोकस किया जाता है, जैसे कि आपका जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम आपका अनुभव मंडपम से इंस्पायर होता है। ठीक है, आपका नटराज की मूर्ति लगती है, अष्ट धातु की बनती है, उसका वेट होता है 18 टन का, और कौन है स्कल्पचर ऑफ नटराज, ये राधा कृष्णन सतपति ने बनाया नटराज का अष्ट धातु का मूर्ति आपका भारत मंडपम में ही। तो आपके ये कहाँ के हैं, ये आपके स्वामी मलई एक जगह है आपका तमिलनाडु में,
वहां से बिलोंग करते हैं और रिकॉर्ड 7 महीने में ये मूर्ति बनके तैयार होती है। इसके अलावा आपका कोणार्क का जो चक्र है, कोणार्क चक्र ऑफ उड़ीसा, सन टेम्पल का जो कोणार्क चक्र है ये भी आपका डिस्प्ले किया जाता है भारत मंडपम में। और साथ ही साथ आपका इमेज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी ये भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका थंजावुर पेंटिंग और ढोकरा आर्ट इनको भी प्रदर्शित किया जाता है आपका भारत मंडपम में, ताकि दुनिया आके इंडिया का कल्चर को देख सके। तो इन सब चीजों से हमारा थोड़ा सॉफ्ट पावर इंक्रीज हो रहा है, इंडियन कल्चर के बारे में लोग जान रहे हैं और रेस्पेक्ट भी बढ़ रही है। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखी, हमने देखा ढोकरा। अच्छा, ढोकरा आर्ट क्या होता है? ढोकरा आर्ट आपका एक टेक्निक है आपका स्कल्पचर बनाने का, मेटल कास्टिंग का तरीका है, मेटल कास्टिंग का एक प्रोसेस है आपका ढोकरा आर्ट। थंजावुर पेंटिंग हम समझ ही गए थे। इसके बाद ब्रास स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा भी था आपका, बोधि ट्री के नीचे बैठा हुआ। तो बुद्धिज्म भी काफी फेमस है इंडिया का, तो वो भी लोग आके देख रहे हैं इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये अनुभव मंडपम क्या? अनुभव मंडपम बेसिकली आपका एक रिलीजियस पार्लियामेंट था कर्नाटका का। कर्नाटका में एक रिलीजियस सेंट थे बसावन्ना, तो ये एक रिलीजियस स्टेट थे, तो एक रिलीजियस पार्लियामेंट था अनुभव मंडपम, ठीक है, कर्नाटका में। तो उससे इंस्पायर्ड होकर भारत मंडपम भी बनाया गया, ठीक है। डाइवर्स म्यूजिकल हेरिटेज भी देखने को मिला कि भाई लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तानी फोक, कर्नाटिक और डिवोशनल म्यूजिक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इंडिया के म्यूजिक के बारे में लोग जान रहे हैं। तो इंडिया का जो कल्चरल शोकेस देखने को मिलता है इन आपका G20 एक तरीके से लोगों को इंडिया का कल्चरल भी दिखाया गया है आपके इस समिट में। चलिए भाई बात करते हैं आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, किधर था? इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। अच्छा, सिविल 20 मीटिंग ये आपका जयपुर राजस्थान में था। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहाँ था? कोलकाता में था। इसके अलावा G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आपका G20 सेक्रेटेरिएट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज कराया आपका G20 फिल्म फेस्टिवल, कहाँ पे? आपका दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया। तो कौन सी पिक्चर की स्क्रीनिंग हुई? तो बड़ा फेमस पिक्चर है द फेस्टिवल ओपन्ड विद द स्क्रीनिंग ऑफ सत्यजीत रे का एक फेमस पिक्चर है पाथेर पाचाली, मैंने खुद देखा हुआ है, बहुत प्यारा पिक्चर है, ठीक है। अगर आप बंगाली हो तो आप बंगाली में देखिए, नहीं है तो इसका ट्रांसलेशन देखिए, सब टाइटल के साथ देखिए, लेकिन देखिए जरूर, बहुत प्यारा मूवी है ये। तो पाथेर पाचाली ये सत्यजीत रे की फिल्म है, इसका आपका स्क्रीनिंग हुआ था, ठीक है। इनॉग्रेशन कराया था श्री विक्टर बैनर्जी ने, वो काफी आपके वेल नोन एक्टर है, एंड श्री अमिताभ कांत G20 शेरपा। तो ये हो गया हमारे फिल्म फेस्टिवल के। नेक्स्ट G20 एम्पावर समिट, एम्पावर समिट कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर में, एम्पावर करने सबको, देख लीजिए। इसके अलावा आपका स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग SELM, तो आपके स्पेस जो कंट्रीज हैं उनके जो स्पेस लीडर्स हैं वो लोग, उनकी मीटिंग थी ये, मतलब स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग समझ लीजिए, ठीक है। तो इंडिया में किसने ऑर्गेनाइज कराया? तो ऑब्वियसली इसरो तो हो गई। इसके अलावा इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, और आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये कहाँ पे हुआ? आपका बैंगलोर में हुआ, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एनवायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुई? तो ये वाली मीटिंग होती है आपकी चेन्नई में, तो मीटिंग टुक प्लेस आफ्टर द 4th, ठीक है समझ गए हम लोग। तो एनवायरमेंट और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी याद रखना है क्या? चेन्नई, और आपका स्पेस याद रखना है बेंगलुरु, और एनपावर समिट गांधीनगर याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप वर्किंग ग्रुप, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप याद रखिए, ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ था मीटिंग। स्टार्टअप 20 गुरुग्राम समिट, ये कहाँ? देखिए स्टार्टअप 20 गुरुग्राम समिट, तो स्टार्टअप 20 समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? गुरुग्राम में हुआ था, ये समझ में आया आपको, ठीक है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप, तो इंडिया की चेयरमैनशिप थी, और अगली चेयरमैनशिप किसकी है आपकी? ब्राजील की है, ठीक है। तो ये भी 2024 में ब्राजील में आपका ये कंटिन्यू करेगा स्टार्टअप 20 समिट, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम आ गया। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम कहाँ हुआ था? डर्बन साउथ अफ्रीका में। तो अभी ब्रिक्स आ गया, G20 से हट गए हम लोग थोड़ा, ठीक है। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम कहाँ हुआ था? डर्बन में। थीम क्या था? एडवांसिंग अर्बन रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल सिटीज एंड टाउन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। उसके बाद, अच्छा ये तो देख चुके हम लोग, दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग आपका जकार्ता में हुआ था, पढ़ चुके हैं ना हम लोग, और थीम भी पता है, एशियन मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, ये भी देखा हमने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया, ठीक है, कहाँ अनाउंस किया? तो ड्यूरिंग G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की जो मीटिंग थी उसमें अनाउंस किया आपका इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग, ठीक है। फिर आपका G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप कहाँ था? हम्पी में, ठीक है। G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट,
ये आपका था मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली। देखिए फूड रेगुलेटर का दिल्ली में था, कल्चर का हम्पी में था, ठीक है, थर्ड वाला आपका हम्पी में था। थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप कहाँ हुआ, तो ये आपका जिनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ, ठीक है। थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये आपका आपका जिनीवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये तुम्हें पता ही है, तो यहीं पे आपका हुआ था एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में नहीं हुआ था, तो ये ऑब्वियसली इंडिया के प्रेसिडेंसी में ही हुआ है ये। अच्छा अब देखिए ये तीन आपके मीटिंग्स होते हैं एंटी करप्शन वाले, कहाँ कहाँ, सबसे पहला G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहाँ हुआ था, तो ये आपका गुरुग्राम में हुआ था, याद रखिए, पहला एंटी करप्शन। दूसरा वाला आपका उत्तराखंड में हुआ था और तीसरा आपका कोलकाता में हुआ था, ये तीन आपके एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। उसके बाद G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स का मीटिंग कहाँ हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हेल्ड एज अ प्रीकर्सर इवेंट एट द G24 कहाँ पे हुआ था, पुणे में हुआ था। देखिए फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने समाप्त कर लिया आपका इंटरनेशनल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस थे, G20 के सारे कॉन्फ्रेंसेस थे, और अब अगले लेक्चर में हम लोग इंडिया में कौन से कॉन्फ्रेंसेस हुए वो देखेंगे। देखिए समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, और 50% हुआ है, 50% और बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।